हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हमारे सामने खड़ा है बजाज डोमिनार 400 का BS6 मॉडल। तो आज हमारे साथ बजाज डोमिनार 400 BS6 मॉडल के ओनर हैं मुकेश जी, जो कि अभी रिसेंटली ही इस बाइक को परचेस किए हैं। तो अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट सर्विसिंग अभी करवाने के लिए आए हुए थे। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछने वाले हैं कि अभी तक इस बाइक को इन्हें चलाने में कैसा लगा, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा नहीं करना पड़ा, कितने में इन्होंने परचेस किया था, क्या कुछ उसका प्रोसेस रहा, फाइनेंस करवाया, कैश में लिए हैं, सब डिटेल्स हम पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम मुकेश जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, ये आज हमारी हेल्प कर रहे हैं, ताकि अगर आप भी बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपका थोड़ा हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड कलर का बेल आइकन आ रहा होगा, उसको दबा करके और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी बाइक अपडेट्स वगैरह आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए मुकेश जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले मुकेश जी, आप ये बताइए कि आपने बाइक को कब लिया था? मैं बाइक को ना 25 दिसंबर को लिया था। 25 दिसंबर, अच्छा। तो मतलब क्या आपका मतलब आपने कैसे मतलब सीधा डोमिनार आपने परचेस किया, कि इससे पहले आप कोई और बाइक चला रहे थे? इसके पहले हमारे पास रॉयल एनफील्ड का था, कॉन्टिनेंटल जीटी। अच्छा, कौन सा मॉडल? मॉडल मतलब 535 सीसी का। अच्छा, मतलब जो पहले आ रहा था वो वाला। तो उसके बाद आपने डायरेक्ट मतलब डोमिनार का प्लान कैसे बना लिया, क्या उसका मतलब रीज़न क्या था? रीज़न थोड़ा सा हमको ये बाइक थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा, इसका रिव्यू देखें बढ़िया था, मतलब टेस्ट राइड उस्ट्राइड आप लिए थे इसका लेने से पहले? लेने से पहले इसका टेस्ट राइड लिए नहीं थे, लेकिन हम इसका रिव्यू देखे अच्छा लगा, इसकी वजह से इसको आप ले लिए सेलेक्ट। तो अच्छा, आपने कैश में लिया या मतलब फाइनेंस करवा करके लिया? इसको मैं कैश लिया, पूरा कैश। कितना कैश में आपको पड़ा इस बाइक का? इसका हमको 230,000 पड़ गया। 230,000 ऑन रोड। अच्छा, तो अगर बात करते हैं तो अभी तक जैसे आपने इस बाइक को चलाया है, लगभग आपने 600-700 किलोमीटर के लगभग इस बाइक को चला लिया है, तो आपको मतलब कैसा लगा एक्सपीरियंस, मतलब रॉयल एनफील्ड से क्या आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगा, या एज अ मतलब अगर 400 सीसी की गाड़ी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको क्या मतलब इसमें अच्छा, क्या प्लस पॉइंट अभी तक लगा? 400 सीसी की अकॉर्डिंग देखा जाना, इसमें पावर भी और कंट्रोलिंग भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, साथ में इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत बढ़िया है, कंट्रोलिंग तो बहुत लाजवाब, मतलब किसी तरह का ऐसे राइडिंग में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं करता, स्पीड नहीं करता, कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर बात करते हैं तो जैसे मतलब जो काफ़ी लोगों का ये रहता है कि मतलब ये थोड़ा एडवेंचर टाइप की बाइक है, तो आप ज़्यादा मतलब सिटी में चलाते हैं या मतलब आप हाईवे पर चलाते हैं, आप ज़्यादा कहाँ लेकर जाते हैं बाइक को? इसको मतलब ज़्यादा मतलब हाईवे में रहते हैं, हाईवे पर। तो मतलब कहीं पे भी टॉप स्पीड वगैरह में कोई दिक्कत किसी तरह का? दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। और ब्रेकिंग वगैरह में कोई इशू? ब्रेकिंग थोड़ा सा रेयर, इसको ब्रेकिंग जो है थोड़ा सा इसको और अच्छा करना चाहिए, मतलब कम लगता है रेयर ब्रेक, थोड़ा सा कम। और फ्रंट ब्रेक? फ्रंट ठीक है, बढ़िया है। तो आपने ये कलर परचेस किया है ग्रीन कलर, तो मतलब यही कलर आपने सोचा था या कोई और कलर आपने सोचा था और ये मिला? नहीं, कलर पहले जब कॉन्टिनेंटल था हमारे पास तो ब्लैक था। अच्छा, तो ये कलर मतलब डोमिनार का ब्लैक भी है और ग्रीन भी है। और कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो कि मतलब आपको अभी तक फील हुआ हो इस बाइक में, जो कि मतलब कोई अगर खरीदने जा रहा है तो उसके लिए जानना जरूरी हो, ऐसा कुछ जो कि हम लोग ना बता पाए? देखा जाए ना, अगर 400 सीसी का सेगमेंट में 230,000 में बहुत बढ़िया बाइक है, बढ़िया है। मतलब अगर 230,000 रुपये किसी के पास है और अगर वो ये बाइक लेने का सोच रहा है तो आप एज अ ओनर उसको सजेस्ट करिएगा लेना या नहीं? देखिए, अगर वो लेने का प्लानिंग कर रहा है, जैसे लेने का प्लानिंग है, कोई सोच रहा है खरीदने का इसको, लेकिन किसी तरह का कोई आपको दिक्कत लगा, आप सजेस्ट करिएगा या नहीं? दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें नहीं है, आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, बढ़िया है ना। और माइलेज का अगर बात कर लेते हैं एट लास्ट, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और कमेंट वही आएगा कि माइलेज कितना है, क्योंकि बाइक बाद में खरीदता है या कार बाद में खरीदता है और माइलेज पहले सोचता है। तो 400 सीसी के हिसाब से अभी तक आपको माइलेज कितना मिला? अभी तो आप फर्स्ट सर्विसिंग कराए हैं तो अब थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अभी तक आपको क्या दिया कुछ माइलेज? अभी हम इसे अगर ऑन रोड अगर हाईवे में देखा जाए ना तो 31-32 के आसपास निकाला है। 31-32 दे दिया है, और अगर फिर अगर देखा जाए सिटी में तो 25-26, मतलब सिटी में 25-26 और हाईवे पर मतलब 30 के लगभग आपको मिल रहा है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो 400 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज ये ऑफर कर दे रहा है आपको, मैं डायरेक्ट इसीलिए ओनर से ही बात करवा दिया। और कुछ आप बताना चाहेंगे जो आपको ज़रूरी लगता है इस बाइक के बारे में, ऐसा कुछ? इसमें थोड़ा सा कंपनी को ना अगर रेयर ब्रेक में अगर थोड़ा सा इसमें अगर इम्प्रूवमेंट कर करता है ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और साथ में थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन को देखा जाए थोड़ा इसका फुट रेस्ट में थोड़ा सा वाइब्रेशन थोड़ा सा फील होता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा लगता है। तो एक बार जरा सा बाइक स्टार्ट करिए तो एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सुना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार एग्जॉस्ट नोट सबसे पहले बाइक का सुन लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी आप लोग फिर बोलने वाले हैं एग्जॉस्ट नोट के लिए। तो एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिए,
तो काफ़ी ऐसा एग्जॉस्ट नोट है, काफ़ी स्पोर्टी है, मतलब फील देता है एक चलाने के टाइम पर कि हाँ मैं 400 सीसी की बाइक राइड कर रहा हूँ। अगर 150-200 सीसी के कंपैरिजन में देखते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है, और 2,30,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो हम भैया को स्पेशल थैंक्स बोलते हैं फिर से, इन्होंने आज हमारा हेल्प किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस बाइक को लेकर वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं भैया से कॉन्टैक्ट करके आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अगर आपको कोई भी बाइक अपडेट्स वगैरह के बारे में जानना है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।